नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संयम है और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। और ये आर्डिनो की सीरीज़ का ही तीसरा वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आर्डिनो क्या होता है, आप उससे क्या क्या काम करा सकते हैं। इसके अलावा मैंने दूसरे वीडियो में ये भी बताया था कि आर्डिनो के कितने तरीके के बोर्ड्स हैं और कौन सा बोर्ड आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे कि आर्डिनो यूनो बोर्ड के बारे में। तो मैंने यहाँ पे पहले भी मेंशन किया था और अभी एक बार फिर से बताता हूँ कि मैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आर्डिनो यूनो बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा। तो उसी को जानते हैं कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो बोर्ड आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। मैं यहाँ पे आर्डिनो यूनो बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये आर्डिनो यूनो बोर्ड है। तो मैंने अपने वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो को बहुत ही अलग तरीके से बनाया है और मैं आपको जो भी पूरा समझाऊँगा इस बोर्ड के बारे में, तो मैंने हर सेक्शन को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। सो सबसे पहले देखते हैं कि ये लेफ़्ट वाला सेक्शन जो है इसमें क्या क्या पार्ट्स है और ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस पूरे बोर्ड को यहाँ पे कट करके और ये वाला सेक्शन जो है वो आपको बताया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। पहला पार्ट है यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं। अगर आपके पास बोर्ड है तो आप लाइव देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जो पोर्ट है ये इसको बोलते हैं USB पोर्ट। तो बेसिकली आपका जो प्रिंटर की केबल होती है या फिर आपकी USB A to B केबल जो बोलते हैं, जो आर्डिनो के लिए यूज़ होती है, तो ऐसी तरीके की केबल जो है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यह पोर्ट जो आर्डिनो में होता है ये बेसिकली आपके जो भी कंप्यूटर में आप जो कोड बनाएंगे तो वो कोड जो है उसको आप USB के थ्रू इस आर्डिनो में डाल पाएंगे ताकि ये आर्डिनो आपके अकॉर्डिंग आपके आइडिया के जैसे काम कर पाए। दूसरी चीज़, जब आप उस USB से अपने आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं तो आर्डिनो वहीं से पावर भी लेने लग जाता है। तो इस केस में जो आपका USB केबल है वो दो तरीके से काम करता है। एक, आपका प्रोग्राम आपके कंप्यूटर से आपके आर्डिनो में ट्रांसफ़र करने के लिए, और दूसरा अगर आपने प्रोग्राम डाल भी लिया है तो अगर आपने फिर भी कनेक्टेड रखा है अपनी USB को तो आर्डिनो उससे ही पावर लेता रहेगा, मतलब आपके कंप्यूटर से पावर इसमें आता रहेगा और आर्डिनो बोर्ड ऑन रहेगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये है USB पोर्ट। उसके बाद ये जो सेकेंड पार्ट है ये यहाँ पे इसको बोलेंगे DC पावर जैक। तो ये एक बैरल कनेक्टर जैक है। तो यहाँ पे आप अपना अडाप्टर जो होता है, जो मोटी पिन का अडाप्टर होते हैं, वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसकी रेंज होती है 7 to 12 वोल्ट, जहाँ तक ये अच्छी तरीके से ये बोर्ड काम करता है। हालाँकि इसकी इनपुट वोल्टेज की लिमिट है 6 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक, और 1 एम्पियर अगर आप करंट की रेटिंग्स पूछेंगे तो 1 एम्पियर करंट रेटिंग का आप यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। हालांकि 2 एम्पियर में भी आर्डिनो बोर्ड्स वर्क करते हैं, बस थोड़ी सी IC गर्म होती है या फिर कभी कभार कुछ दिक्कत होती है। तो इस तरीके से ये जो है ये सेकेंड पार्ट है DC पावर जैक है। तीसरी जो चीज़ है वो है यहाँ पे आपका रीसेट बटन। तो ये जो तीसरी चीज़ है ये है रीसेट बटन, एंड ये आप समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर में अगर आप रीस्टार्ट वाला बटन दबाते हैं और पूरा कंप्यूटर जो है वो वापस से रीस्टार्ट हो जाता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आर्डिनो में भी रीसेट बटन होता है। इसको प्रेस करने पे अगर आपका कोई प्रोग्राम है वो जो कि चल रहा है, जैसे मान लीजिए 7 LEDs है और वो 1 2 3 4 कहे ऐसे एक के बाद एक ऑन हो रही है, तो अगर आप रीसेट बटन दबा देंगे और मान लीजिए कि आपकी LED 5 तक ऑन हो चुकी है तो वापस से वो 1 से ऑन होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आपका प्रोग्राम जो है वो फिर से शुरुआत से रन होने लग जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि अब आपका प्रोग्राम जो है वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है या आर्डिनो में बोर्ड में कुछ तो भी प्रोग्राम में लॉजिकल एरर हो गई है, तो इस तरीके से आप रीसेट बटन दबाकर उसको वापस से रीसेट कर सकते, रीस्टार्ट कर सकते। ठीक है, तो अगली जो चीज़ है वो है वोल्टेज रेगुलेटर IC। तो ये है वोल्टेज रेगुलेटर IC। तो ये इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि जो भी आप यहाँ से पावर देते हैं, मान लीजिए आपने दिया 12 वोल्ट का अडाप्टर लगाया, यहाँ पे कनेक्ट किया, तो आर्डिनो को हमेशा 5 वोल्ट ही चाहिए होता है काम करने के लिए।
तो जब आप USB पोर्ट कनेक्ट करते हैं तो लैपटॉप से ऑलरेडी 5 to 6 वोल्ट ही आता है, और जब आप जैक कनेक्ट करते हैं ज़्यादा वोल्टेज का, तो उस तरीके से यहाँ पे जो ये वोल्टेज रेगुलेटर IC है, ये आपके 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके आर्डिनो को दे देती है, ताकि आर्डिनो अच्छे से काम कर पाए। नेक्स्ट तो चलते हैं यहाँ पे। तो मैंने अभी तक आपको बता दिया USB पोर्ट, रीसेट बटन, वोल्टेज रेगुलेटर IC और DC पावर जैक। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने अब अगले पार्ट को कट किया हुआ है। तो मैंने आपके आर्डिनो में ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, आप मैंने माउस पॉइंटर पे दिखाया हुआ है, तो मैंने इस पार्ट को कट करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको कुछ पिंस कनेक्ट करने के लिए पोर्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहली जो दो पिन्स है वो कहलाती है TX RX पिन्स। तो जब भी हम कोई ब्लूटूथ मॉड्यूल या कोई ऐसी कम्युनिकेशन बोर्ड यूज़ करेंगे, तब हम इन TX RX पिन का यूज़ करेंगे। अभी अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आने वाले टाइम में सीखेंगे कि कैसे ये चीज़ होती है। तो TX का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिट, और RX का फुल फॉर्म होता है रिसीव। तो अगर हम कोई कम्युनिकेशन पर्पस का हिसाब करेंगे, जब आर्डिनो आपस में दूसरे कोई बोर्ड से कम्युनिकेट करेगा, मैसेज भेजेगा, मैसेज रिसीव करेगा, तब हम TX RX पिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिजिटल पिन्स। तो ये सबसे काम की पिन्स मानी जाती है पूरे आर्डिनो बोर्ड में। और डिजिटल पिन्स मतलब, डिजिटल को अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट तरीके से समझाऊं, तो जैसे आप अपने घर का बटन, आपके घर में स्विच बोर्ड्स होंगे जहाँ पे आप लाइट पंखे ऑन करते होंगे, तो आप जब बटन प्रेस करते हैं तो वो लाइट ऑन हो जाती है, और जब बटन ऑफ करते हैं, दूसरी तरफ दबाते हैं, तो वो लाइट ऑफ हो जाती है। मीन्स ऑन और ऑफ दो ही स्टेट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से डिजिटल काम करता है। तो जब हम ऐसी कुछ चीज़, हमारा प्रोजेक्ट जो है, हम कुछ ऐसा बनाएंगे जहाँ पे हमें सिर्फ दो ही स्टेट की ज़रूरत है, ऑन ऑफ, 1 या 0, या फिर ट्रू और फॉल्स, तो उस तरीके से हम लोग डिजिटल जब पिंस का यूज़ करेंगे। और इस पिंस पे हम लोग अपने सेंसर्स या मोटर्स या डिस्प्ले यूनिट्स या जो भी हमारा कंपोनेंट होगा उसको कनेक्ट करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ऑन इंडिकेटर LED। तो जब भी आप आर्डिनो को पावर करेंगे, या तो USB केबल से, या फिर आप अडाप्टर से जब आप पावर अप करेंगे उसको, तो यहाँ पे ये जो ऑन LED है, इंडिकेटर LED बोलते हैं इसको, तो ये आपकी ऑन हो जाएगी, और इससे आपको पता पड़ेगा कि हाँ, आर्डिनो में प्रॉपर तरीके से पावर आ रहा है। कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको जो LED है वो कुछ थोड़ी डिम दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा डिम, तो उस केस में आप समझ जाएगा कि या तो आर्डिनो को पावर नहीं मिल रहा है, या तो कुछ बहुत ज़्यादा पावर मिल रहा है जिसकी वजह से आर्डिनो में अंदर कुछ हीटिंग हो रही है, और ये LED पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चीज़ है बिल्ट इन LED, जो कि यहाँ पे आपकी होती है आर्डिनो में TX RX LED। तो जब भी हम TX RX पिन पे कुछ कनेक्ट करेंगे, या फिर आर्डिनो से लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू कोड को इसमें डालेंगे, तो आर्डिनो उस केस में भी माना जाता है कि आर्डिनो और लैपटॉप के आपस में कम्युनिकेशन होता है। तो ऐसे केस में TX RX LED जो है वो ऑन और ऑफ होगी बहुत तेज़ी से। तो इस तरीके से, उसी तरीके से जब हम 13 नंबर की पिन पे कुछ कनेक्ट करेंगे, तो उसका कनेक्शन होता है यहाँ पे L नाम की जो 13 पिन की इंडिकेटर LED होती है इससे। तो इससे हमें ये पता पड़ेगा कि 13 नंबर पे अगर मान लीजिए आपने नॉर्मल LED कनेक्ट करी है, तो यहाँ पे भी वो इफ़ेक्ट आपको दिखेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। तो हमने सबसे पहली चीज़ देखी USB पोर्ट, दूसरी चीज़ देखी हमने DC पावर जैक, तीसरी चीज़ देखी हमने रीसेट बटन, फिर हमने देखा वोल्टेज रेगुलेटर IC, फिर हमने देखा TX RX पिन्स, फिर हमने देखा डिजिटल IO पिन्स मतलब इनपुट आउटपुट पिन्स, फिर हमने देखा ऑन इंडिकेटर LED, और फिर हमने देखा बिल्ट इन LED। तो हमारा आधे से ज़्यादा बोर्ड जो है वो कवर हो चुका है। अब हम चलते हैं इस वाले पार्ट की तरफ कि यहाँ पे क्या क्या है, ज़रा इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो इस वाले पार्ट में आपका पहला जो पिन्स है वो है यहाँ पे एनालॉग पिन्स, इस पार्ट को बोलते हैं। तो जैसे डिजिटल पिन्स है, जहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें से सिर्फ दो ही चीज़ है, ऑन और ऑफ, जैसे LED, ठीक है, तो ऑन और ऑफ है, तो हम उसको डिजिटल साइड पे कनेक्ट करेंगे। बट अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको कंटिन्यूस वैल्यू दे रही है, जैसे आपका कोई ऐसा सेंसर हुआ, जैसे टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, या फिर आप उसको और आसान तरीके से बताऊं तो आपका वॉल्यूम का बटन, अगर आपने देखा होगा, तो ये इसमें कैसा होता है कि धीरे 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 वॉल्यूम बढ़ता है,
या फिर कोई भी चीज़ में मल्टीपल वैल्यूज़ होती है, जैसे आपका पंखा है धीरे 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 ऑन होके मैक्सिमम स्पीड पे जाता है। तो ऐसी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए या ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए हम लोग वो सेंसर्स या वो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एनालॉग साइड पे कनेक्ट करेंगे। अभी अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं भी है एनालॉग और डिजिटल तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे अच्छी तरीके से। देन यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है ये वाला सेक्शन, इसको बोलते हैं पावर पिन्स। तो यहाँ पे सारी पावर पिन्स है। ऑब्वियसली हर सेंसर या फिर मोटर को या डिस्प्ले यूनिट्स को पावर चाहिए होता है, तो ऐसे केस में हम लोग आर्डिनो से यहाँ से पिन्स कनेक्ट करके और हमारे सेंसर्स को ऑन रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ग्राउंड पिन्स, सारी चीज़ें होती है एंड यहाँ पे ही हम उसको कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो मेन पूरे आर्डिनो बोर्ड की सबसे मेन चीज़ है, वो है आपका माइक्रो कंट्रोलर। तो ये जो है ये एक तरीके से जैसे हमारे पास हमारा दिमाग होता है, उसी तरीके से पूरे आर्डिनो का दिमाग कहा जाता है ये माइक्रो कंट्रोलर। तो ये माइक्रो कंट्रोलर होता है, एक तरीके की आईसी है जो कि ब्रेन जैसा काम करती है। यहीं पे सारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं और हम इसी में अपना प्रोग्राम डाल के और पूरा आर्डिनो बोर्ड से अपना जो भी मनचाहा काम है उसे कराते हैं। तो इस आईसी का नाम है, इस माइक्रो कंट्रोलर का नाम है 8Mega328P। ठीक है, तो ये आपका याद रखने वाली चीज़ है 8Mega328P। हर आर्डिनो में अलग अलग कंट्रोलर होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आर्डिनो यूनो में 8Mega328P माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में, अभी फ़िलहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा है कि ये पूरे आर्डिनो में इतने सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल था, अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था पूरे आर्डिनो में। तो हमने यूएसबी पोर्ट देखा, रीसेट बटन देखा, माइक्रो कंट्रोलर देखा, पावर पिन देखी, एनालॉग पिन देखी, डिजिटल पिन देखी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आने वाले टाइम में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में कि आर्डिनो का ये हार्डवेयर था, अब सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं और सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती है। सो बने रहिए मेरी इस सीरीज़ के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट में मेंशन कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को हिंदी में आर्डिनो सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।